मेरे भोले बाबा ने कहा, देवी जन्म एक दुई कहां हो बखाने। ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी के इस धरा धाम पर आने के जो पहले कारण बने हैं वो है जय और विजय। दोनों कौन है? वैकुंठ के द्वारपाल है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। एक बार संकादिक मुनियों को ठाकुर जी के दर्शन की इच्छा हुई, वैकुंठ पहुंचे। इन द्वारपालों ने द्वार पर ही रोक दिया, भीतर नहीं जा सकते। क्यों? अभी नहीं जा सकते, अभी हम अंदर जाने का आपको नहीं अनुमति दे सकते। संतों ने एक बार कहा नहीं माने, दो बार कहा नहीं माने, बारंबार कहने पर भी जब नहीं माने, संतों ने श्राप दे दिया, भक्त और भगवान के बीच बाधा बनते हो, जाओ दोनों असुर योनि में जाकर जन्म लोगे। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाए। भीतर बैठे ठाकुर जी ने जैसे ही यह शब्द सुने बाहर आए, क्षमा करिए प्रभु, मेरे अपने परिकर हैं, मुक्ति का कोई उपाय बताइए, असुर ना हो ये। संतों ने कहा प्रभु असुर तो इनको बनना ही पड़ेगा, और एक जन्म नहीं तीन जन्म बनना पड़ेगा। हमने तीन बार कहा जाने दो, इनने तीन बार मना किया, इसीलिए इनको तीन जन्मों तक असुर योनि में जन्म लेना पड़ेगा, मुक्ति कैसे होगी? जय विजय ने कहा असुर नहीं बनना चाहते। संतों ने कहा असुर नहीं बनोगे तो सात जन्म लग जाएंगे भगवान तक आने में, और असुर बन जाओगे तो तीन जन्मों में वापस आ जाओगे। जय विजय सोचने लगे सात जन्मों तक प्रभु के शरण से दूर रहने से अच्छा उनके हाथों मुक्ति प्राप्त कर लेंगे बैर ही सही। अब यही दोनों भाई सतयुग के समय हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, जिनके मुक्ति के लिए उद्धार के लिए ठाकुर जी का नरसिंह और वराह अवतार हुआ। दोनों भाई जब त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में आए तो प्रभु ने श्री रामा अवतार लिया। द्वापर में जब दंत वक्र शिशुपाल के रूप में आए तो प्रभु ने श्री कृष्णा अवतार लिया। देवी प्रथम कारण था। दूसरे कारण की चर्चा सुनो। दूसरे कारण में चर्चा हुई है जलंधर की। एक कल्प सुरदे की दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। स्वयं महादेव ने भी जलंधर से युद्ध किया, पर वह राक्षस वह असुर पराजित नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? उसके पराजित ना होने का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा, जो परम सती थी। और वृंदा का पातिव्रत धर्म ऐसा जो जलंधर के पास कवच की तरह था, और उसको कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर पाता था। देवता ठाकुर जी के पास पहुंचे, प्रभु कोई उपाय। वृंदा की वजह से आज जलंधर का अत्याचार त्रैलोक्य में फैल रहा है, उसकी मृत्यु नहीं होती। ठाकुर जी ने देवताओं से कहा जाकर जलंधर को युद्ध के लिए बुलाओ, मैं कुछ उपाय देखता हूं। जलंधर जब जाने लगा, वृंदा ने कहा स्वामी जब तक आप लौट कर नहीं आते मैं यही भगवान की पूजा में बैठती हूँ। परम सती थी, जितनी पूजा भगवान की करती थी उसी तरह से अपने पति को भी भगवान के तुल्य ही उनसे प्रेम करती थी, उनको मानती थी, और वही जलंधर का कवच बना हुआ था। जलंधर युद्ध के लिए गया, वृंदा पूजा में बैठ गए। इधर ठाकुर जी जलंधर के रूप में आए, और जैसे ही पति की आवाज सुनी वृंदा पूजा छोड़ करके खड़ी हो गई। पूजन से उठी, इधर जलंधर पर प्रहार हुआ, उसका कटा हुआ मस्तक भगवान और वृंदा के मध्य में आकर गिरा। वृंदा आश्चर्यचकित हो गई, पूछने लगी कौन हो तुम, सच सच बताओ। आज ठाकुर जी को बड़ी लज्जा सी आई, बहुत संकोच हुआ। क्यों? वृंदा मुझ पर इतना विश्वास करती थी और आज जगत हित के लिए मुझे अपने भक्त से छल करना पड़ गया। ठाकुर जी संकोच से सर झुकाकर खड़े हुए हैं। वृंदा कहती है वाह प्रभु, आपको इतना माना, इतनी पूजा करी, उसका ये परिणाम मुझे दिया है। वृंदा क्रोधित तो हो गई, कहा आपने ईश्वर होकर जड़वत व्यवहार किया है, जाइए आप पत्थर के हो जाएंगे। ठाकुर जी शिला में परिवर्तित हो गए, हाहाकार मच गया।
वृंदा ने कहा, आपने जैसे मेरे पति को मुझसे दूर किया है छल से, मेरा यही पति छल से एक दिन आपकी पत्नी को, आपकी भार्या को आपसे अलग करेगा। वृंदा कहती है कि आपने मेरे साथ आज अच्छा नहीं किया प्रभु। जब देवताओं ने देखा ठाकुर जी शिला के रूप में परिवर्तित हो गए, आए सब वृंदा से प्रार्थना करने लगे, ठाकुर जी को पूर्ण उनके पूर्व स्वरूप में वापस कर दीजिए, अपना श्राप वापस ले लीजिए। ठाकुर जी को पुनः उनके रूप में परिवर्तित तो कर दिया, पर वृंदा ने अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रकट की और स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया। जहां पर वृंदा जी के तन की वह राख थी, उसी राख से ये तुलसी मैया का बिरवा निकला। ठाकुर जी ने उस दिन कहा कि आज से मेरा एक स्वरूप भगवान श्री शालिग्राम के रूप में संसार में पूजा जाएगा। अभी कल ही तुलसी विवाह का दिन था और उसी दिन से तुलसी मैया के साथ शालिग्राम भगवान का हम विवाह कराते हैं। और ठाकुर जी ने एक घोषणा और की, आज के बाद मुझे चाहे कोई 56 भोग समर्पित कर दे, पर जब तक उस भोग में तुलसी जी का एक दल नहीं होगा, मैं उस भोग को स्वीकार नहीं करूंगा। आज भी हम ठाकुर जी को जब भी भोग लगाते हैं, तुलसी जी का एक दल डालते हैं और तब ठाकुर जी उस भोग को स्वीकार करते हैं। ये दूसरा कारण। तीसरे कारण की जब चर्चा आई ना, तो भोले बाबा ने सिर्फ इतना कहा, देवी नारद शाप दीन एक बारा कलप एक तही लगी अवतारा, एक चौपाई में बात खत्म। अब चौथे कारण की चर्चा सुनो। मैया ने कहा, सरकार रुकिए रुकिए रुकिए, ये एकाएक आपने एक ही चौपाई में बात कैसे खत्म कर दी। मेरे भोले बाबा ने सोचा, नारद जी पार्वती जी के गुरु हैं, अभी यदि मैं कहूं कि भक्त ने अपने भगवान को श्राप दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि पार्वती जी के हृदय में फिर से कोई शंका जन्म ले, अथवा ये भाव उत्पन्न हो कि नारद जी से गलती हो गई कि भगवान को श्राप दिया। भोले बाबा ने सोचा, इतने विवाद में पड़ने से अच्छा है एक चौपाई में बात पूरी करो, एक बार नारद जी ने श्राप दिया और इसलिए भगवान का आना हुआ। मैया ने कहा, प्रभु ये कथा पूरा विस्तार करके सुनाइए। भोले बाबा ने कहा, अच्छा देवी सुनिए। हिमगिरी गुहा एक अति पावन बह समीप सुर सरी सुहावने, हिमगिरी गुहा एक अति पावन बह समीप सुर सरी सुहावन, सुमिरत हरि श्राप गति बाधे, सुमिरत हरि श्राप गति बाधे, सहज विमल मन लागि समाधि, सहज विमल मन लागि समाधि, सीम की चापि सकै को तासु, सीम की चाप सकै को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। हिमालय की एक सुंदर सी कंदरा, नारद जी को यद्यपि श्राप है एक स्थान पर टिकेंगे नहीं एक क्षण से ज्यादा, पर आज नारद जी जब उस स्थान पर पहुंचे, मन में भाव उठा, इतना सुंदर यह स्थान है, लाओ थोड़ी देर प्रभु की आराधना कर लो। नारद जी को श्राप देने वाले कौन है? राजा दक्ष, राजा दक्ष के पुत्र। जब वन की ओर जाते साधना के लिए, राजा दक्ष अपने पुत्रों को उत्पन्न करते कि ये आगे चल के सृष्टि का विस्तार करेंगे, पर जब वो पुत्र साधना से लौटने लगते, मार्ग में नारद जी मिलते और ऐसा उपदेश करते कि वो जितने भी पुत्र थे, घर कोई नहीं पहुंचता, वापस जंगल से जंगल में ही लौट जाते। राजा दक्ष ने सोचा, ये क्या होता है, बेटे घर से जाते तो हैं पर आते नहीं हैं, ये बीच में उन्हें कौन मिलता है जो ऐसा उपदेश करता है, जो सीधा वैराग्य की ओर लेकर चला जाता है।
जब पता चला नारद जी ये करते हैं तो श्राप दे दिया, एक जगह पर आप टिकोगे ही नहीं, जब टिकोगे नहीं तो उपदेश क्या करोगे। लेकिन आज वह समा, आज वह दिया हुआ श्राप भी मानो स्थगित हो गया। साधना में बैठे, समाधि लग गई, इंद्रदेव भयभीत हुए। आज नारद जी इतनी कठिन साधना की, श्राप भी पीछे रह गया, हो ना हो मेरा इंद्रासन पाना चाहते हैं, मेरा इंद्रासन। अब नारद जी को इंद्रासन से क्या लेना देना, पर इंद्रदेव को भय हुआ, कामदेव को भेजा, जाकर देखिए। और जब कामदेव आए समाधि भंग करने के लिए, बहुत प्रयास किया, समाधि नहीं खुली, भय में आ गया कामदेव, कहीं ऐसा ना हो श्राप दे दें, रुष्ट हो जाएं, इसके पहले कि ये क्रोधित हो, हाथ में पुष्पों की माला ली और सीधा नारद जी के पास पहुंचा। धन्य है, धन्य है, धन्य है, चरणों में प्रणाम कर गया। और देखने वाली बात ये कि कामदेव के प्रभाव से नारद जी ने नेत्र नहीं खोले, जितना जैसे ही कामदेव ने प्रणाम किया उस स्वभाव से नेत्र खोल दिए। कामदेव को देखा, अरे कामदेव, कामदेव कहता है मुझसे गलती हो गई प्रभु, आपके जैसा तो मैंने आज तक देखा नहीं, अरे मैं काम हूं, अच्छे अच्छों की साधना को डिगा कर रख देता हूँ, धन्य है आप। प्रशंसा एक बार हुई, दो बार हुई, तीसरी बार में नारद जी को भी लग गया कि वाकई में हम धन्य हैं। अभिमान, अहंकार किस रूप में आकर मन में बैठ जाए, हम भी ध्यान रखें। जीवन में जब ज्यादा प्रशंसा मिलने लगे, बड़ाई मिलने लगे, तो समझ जाइए यही वो समय है कि सावधान हो जाना है। नारद जी प्रभु की कृपा से प्राप्त इस बड़प्पन को अपनी उपलब्धि समझने लग गए। हम भी यही गलती करते हैं, मिलता उसकी कृपा से है और ठप्पा अपने नाम का लगा देते हैं। अभिमान, ऊंचाई पर पहुंचना बड़ी बात नहीं है, ऊंचाई पर टिकना बड़ी बात है। पहुंच तो गए, जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी से पहुंच गए, या फिर शॉर्टकट अपनाया तो लिफ्ट से पहुंच गए। अब ऊंचाई पे पहुंच तो गए, पर उस ऊंचाई पर यदि टिक के नहीं रह पाए संभल के, तो नीचे से गिरेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, और ऊपर से गिरेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, सब समाप्त। सफर का आनंद लेना है तो साथ में सामान कम रखो, और जीवन का आनंद लेना है तो मन में अभिमान कम रखो, मन में अभिमान ना रहे। प्रभु की ये जो अभिमान वाली चिड़िया है ना, ये जो चिड़िया है ऐसी सिर पे आके बैठती है। अभिमानी को इस चीज से तुलना करते हैं, कहते हैं जैसे कोई एक व्यक्ति जो नशे में हो, उस नशा करने वाले व्यक्ति से यदि कोई कहे अरे ये तो नशे में है, वो व्यक्ति कभी नहीं स्वीकारेगा कि वो नशे में है, उसको लगेगा एक हमसे ज्यादा होश में और यहाँ पर कोई बैठा ही नहीं है, साहब पागल है, हम होश में। अभिमान का भी ठीक वैसा ही लेना देना, ये फूट गया, मुझे एक चीज याद आ गई, अच्छी याद आ गई। अभी अभी कामदेव ने क्या किया, नारद जी की वाह वाह करी, करी कि नहीं करी, हाँ ना कुछ बोलिए जोर से, करी ना, वाह वाह किसको अच्छी नहीं लगती, सबको लगती है, हमें भी लगती, सबको अच्छी लगती है, पर वाह को सीधे से पढ़ो तो वाह है और पीछे से पढ़ो तो हवा, क्या है हवा, हवा टिकती है क्या, और ज्यादा हवा हो जाए तो यही होता है जो अभी अभी हुआ। एक मिनट में वाह वाह हो तो संभल जाएं, क्योंकि ये हवा है और हवा इस गुब्बारे में भरी तो अभी ये बंधी है, तब तो टिकी है, अभी खोल दो तो लहराती मिलेगी, कहीं इधर कहीं उधर आपको उड़ते ही नजर आएंगे। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देओ हवा गुब्बारा फूटे ना। ध्यान रहे, अभिमान नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी से प्रार्थना करिए, प्रभु मैंने नहीं किया, मेरा आपकी कृपा से अरे सब काम हो रहा है,
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, सब काम हो रहा है। अरे पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। अब हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। दिल भी मिल रही है। करती नहीं मैं कुछ भी, करती नहीं मैं कुछ भी, पर सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। अरे करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ठाकुर जी से नित्य प्रति। लेकिन एक बात, हम क्या करते हैं, कुछ लाभ हुआ, अरे बहुत भैया चप्पल घिस घिस के चप्पल टूट गई हमारी, इतनी भाग दौड़ करनी पड़ी है, आपको क्या मालूम। अब कुछ बिगड़ गया तो पहुंच गए भगवान के पास, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमने आपका क्या बिगाड़ा था। अरे हम कुछ बिगाड़ सकते हैं क्या, हम कुछ बिगाड़ सकते हैं क्या। जीवन में गड़बड़ होना उस दिन से कम हो जाएगा, किस दिन से, जिस दिन से इंसान अपनी मौत को याद रखना शुरू कर दे। चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, कोई व्यक्ति जन्मदिन तो याद रखता है, पर ये नहीं याद रखता है कि मरण दिन भी किसी भी दिन आ सकता है। मृत्यु का दिन कोई बता के नहीं आता है। आने वाला पल भी आखिरी हो सकता है, कल भी आखिरी हो सकता है, या हो सकता है 20 साल के बाद वाला दिन आखिरी हो सकता है। पर अक्सर ये जो मन है ना, ये 50 के बाद ही आखिरी समझता है, 50 के पहले समझना इसके स्वभाव में ही नहीं है। हम मृत्यु को दूर देखते हैं, बहुत दूर देखते हैं। गम किसी तरह का कैसा भी हो हर एक दिल में है। आजकल जिसको भी देखो वो किसी मुश्किल में है। जिंदगी और मौत में है किस कदर कम फासले। पांव एक रास्ते पे है तो दूसरा मंजिल में है। एक कदम यदि यहाँ है ना तो एक कदम वहां है। कब ये पैर वहां पहुंच जाए इसका कोई भरोसा। आपने देखा होगा, एक आपसे प्रश्न करूं, दौड़ने में आराम है कि आराम से चलने में, आराम किस में है, जोर जोर से बोलिएगा। दौड़ने में आराम है कि चलने में, चलने में। अच्छा, चलने में आराम है कि बैठने में, बैठने में आराम है कि लेटने में, लेटने में आराम है कि सोने में, और सोने में आराम है कि मरने में। सबसे सुकून तो भैया मरने में ही है। एक मस्त राम थे, मस्त राम मुर्दों के पास जाकर कहने लगे, मस्त राम मुर्दों से बोले, अरे हमको कुछ बतलाओगे। और मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, अरे मर जाओ सुख पाओगे।
जीते जी तो ये संसार ऐसा है जीने ही नहीं देता है। मृत्यु के बाद ऐसा है कि कोई दूर का भी होता है ना, किसी ने कहा ना कि आजकल ये सुनने के लिए कि बहुत अच्छा आदमी था, इंसान को मरना पड़ता है। उसके पहले इंसान नहीं कहता कि भला भाई साहब बहुत अच्छे थे, गुजरने के बाद हर कोई कहता है बहुत अच्छे इंसान थे। तो ये संसार है, उनसे सुनने के लिए तो वहां जाना पड़ेगा, पर यदि यहाँ रहते हुए उनको अपना बना लिया तो इनके लिए अच्छे हो या ना हो उसके लिए अच्छे बन जाओगे, बस यही काफी। नारद जी ने नेत्र खोले, नारद जी के मन में अभिमान, नारद जी जहां जाते प्रशंसा, भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा ने कहा नारद जी हमसे तो बता दिया, भगवान विष्णु से मत बताइएगा, मना किया था, पर जब आते हैं अच्छे दिन तब अच्छी बात सुहाती, ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती, चल पड़े कहां क्षीर सागर की ओर, हाथ में वीड़ा है ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 एक बार कर तलवर बीना एक बार कर तलवर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीना गावत हरि गुण गान प्रवीना क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता एक बार कर तलवर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीना हाथों में वीड़ा है मुख पर प्रभु का नाम है क्षीर सागर पहुंचे। ठाकुर जी ने देखा, भोले बाबा ने साफ मना किया था चर्चा मत करिएगा। नारद जी थोड़ी देर तो चुप बैठे, ठाकुर जी तब तक बोल पड़े, नारद जी बड़े दिन पे दिखाई दिए, नारद जी को मौका मिला, सरकार आने का प्रयत्न तो था पर क्या करें आ नहीं पाए, बीच में फंस गए थे। कहा अरे प्रभु पूछिए मत, क्या हो गया था, समाधि में बैठे कामदेव आए, अरे प्रभु इतना प्रयास पर मजाल जो समाधि खुलवा सके। ठाकुर जी समझ गए भक्त के हृदय में अभिमान का बीज जम चुका है। फिर भी ठाकुर जी ने कहा अरे अब आप जैसे संत के लिए मुश्किल थोड़ी ना है। नारद जी यहां से नहीं यहां से कहने लगे नाना नाना प्रभु हम क्या, ये तो सब आपकी कृपा से, हम भी कहते हैं ना कहते हैं, जैसे कई बार होता है स्वभाव कोई आता है घर पे, आप ही का घर है आप ही का मकान अपना ही समझिएगा, वो सांप कहता है अपना समझिएगा है समझिएगा पर है नहीं, ये याद रखिएगा। नारद जी कहते आपकी कृपा से, अब नारद जी के इस अभिमान को दूर करना है। नारद जी गए, प्रभु ने पूरी रचना बनाए, बिरचो मगमहु नगर जही सतजो जन विस्तार श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। अपनी माया से नगरी का निर्माण किया विश्व और विश्व मोहिनी यानी कि अपनी माया को वहां की राजकुमारी बनाया, माया से वहां का राजा बनाया शीलनिधि को। नारद जी पहुंचे नगरी ये कब बनी, फिर आया अरे हम भी तो इतने दिन की समाधि में थे इसी दौरान बन गई होगी। पहुंचे भीतर शीलनिधि ने देखा, राजा हिमाचल ने जब मैया पार्वती को बुलाया तो प्रणाम कराया, शील निधि ने विश्व मोहिनी को बुलाया पर प्रणाम करने को नहीं बुलाया, आकर खड़ी हुई है प्रभु की माया। नारद जी ने देखा, ज्यो ही देखा काम को कल हरा के आने वाले नारद जी आज मन ही मन सोचने लगे विवाह ही तो होना है तो क्यों ना मैं ही कर लूं, मैं ही कर लूं।
तब तक शील निधि बोल पड़े, जरा बेटी का भाग्य देख के बता दो। नारद जी के हाथ में कन्या का हाथ है और नारद जी के नेत्र कन्या के मुखारविंद पर टिके हैं। शील निधि का महाराज हाथ देखो, अब हाथ था तो ये है जो लिखा था वो, तो जो बताया सो बताया, उसमें भी कुछ ऐसा बताया क्या, कछुक बनाई भूप सन भाके। नारद जी वहां से जाने लगे, शील निधि कहते अब स्वयंवर देख के जाइए। नारद जी तो मन में सोच रहे हम तो कल वैसे भी आने ही वाले हैं, अभी जाने दो। बाहर पहुंचे, व्याकुलता है, हा विधि मिलेगी कवन विधि बाला, क्या करूं कैसे मिलेगी वो कन्या। तब तक एक आवाज आई, मोरे हित हरि सम नहीं को एहि अवसर सहाय सोई हो। नारद जी से एक चूक तो हुई है, मन में अभिमान जो आया, अभिमान ने गलत राह दिखा दी। पर जो भक्ति है अभी भी वो मन के कोने में बैठी है, जो नारद जी से क्या कहलवाती है, भगवान के समान मेरा हितैषी और दूसरा इस संसार में कोई भी नहीं है। मैं आपसे भी यही कहती हूँ, हम लाख गलत करें बस मन में विश्वास ये लेकर बैठे कि मैं चाहे लाख गलतियां करूं मेरा भगवान मेरे साथ है जो मुझे सही राह दिखाए। भूलूंगा यदि राह तो वो है मेरे साथ। ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने कहा, नारद जी क्या हुआ, कैसे याद किया। नारद जी ने कहा, अरे सरकार बहुत जरूरी काम है। ठाकुर जी ने कहा, अभी कल ही तो काम को हराया था, इतनी जल्दी आ गया। सरकार काम है, क्या काम है, विवाह करने की इच्छा हुई है प्रभु। ठाकुर जी ने कहा, बड़ा सुंदर विचार है, करिए करिए, जरूर करना चाहिए। लेकिन नाथ एक समस्या आ रही है। क्या? कुछ उधार चाहिए। क्या उधार चाहिए? अब उधार में यदि विवाह में हम किसी से कुछ मांगते, यही कहते भैया अपने शादी की शेरवानी दे दो, कोट पैंट दे दो, गाड़ी दे दो, जूती दे दो, वो माला दे दो। पर नारद जी ने कुछ अनोखा ही उधार में मांगा। क्या? आपन रूप देहु प्रभु मोहि आन भांति नहीं पावो ही। अपना रूप दे दीजिए उधार में, कल के बाद वापस कर देंगे। ठाकुर जी मन ही मन मुस्कुराए, वाह रे नारद जी, रूप हमारा, ब्याह तुम्हारा, ऐसे कैसे होगा। ठाकुर जी मौन है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या करूं, भगत ने पहली बार कुछ मांगा है, दे दूं क्या, सुंदर बना दूं। फिर ठाकुर जी अभी सोच रहे हैं, आज सुंदर बनाऊंगा, जीवन बंदरों सा हो जाएगा, क्या करूं, बंदर बनाऊं कि सुंदर बनाऊं। तब तक नारद जी बोल पड़े, जे विधि होई नात हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। काय को देर करते हो, जिसमें मेरा हित हो बस कर दो जल्दी से। ठाकुर जी ने कहा, मेरे मन की दुविधा मिटा दी देवर्षि आपने, अब जिसमें हित नहीं, जे विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार, जिसमें आपका परम हित होगा अब वो करूंगा मैं। ठाकुर जी को परम हित नारद जी का किसमें नजर आया, सुंदर बनाने में नहीं, बंदर बनाने में नजर आया, बानर की आकृति दे दी। अब हम भी ये सोचें कि हम भगवान से जो मांगे, हो सकता है वो मेरे लिए कम हितकारी हो या ना भी हो, पर जो ठाकुर जी अपनी तरफ से व्यवस्था बनाएंगे, इस बात का पूर्ण विश्वास रखिए, वो आपके लिए हितकारी नहीं परम हितकारी होगा। जो आज देवर्षि श्री नारद जी के साथ हुआ, नारद जी सभा में पहुंचे, पहली पंक्ति की पहली गद्दी, कन्या ने आना है, मुझे देखना है, माला डालनी है, कहाँ भटकना है, मैं तो विष्णु भगवान की तरह हूँ। विश्व मोहिनी आई, नारद जी को देखा, मरकट बदन भयंकर देही, क्रोध हुआ, अगली पंक्ति में गई। और इसी दौरान मेरे ठाकुर जी नर रूप में आए, विश्व मोहिनी ने माला डाली और अपनी माया को लेकर सरकार चले गए। नारद जी सोचने लगे, यदि इस रूप पे भी कन्या ने माला नहीं डाली तो किस पे डालेगी।
भगवान शंकर के दो गण आए थे, उन्होंने कहा इसी रूप के कारण तो नहीं डाली। मुख देखिए, सरोवर में देखा, क्रोध हुआ। सबसे पहले शिव गणों को असुर योनि में जन्म लेने का श्राप दिया, और अब क्या कहते हैं, गई हूं श्राप की मरियाओं जाई, जगत मोर उपहास कराई। आज उस कपटी विष्णु को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, या तो आज श्राप देकर उसे फल दूंगा, या तो फिर स्वयं को खत्म कर लूंगा। ऐसी जगत हसाई मेरी, चले जा रहे, कहां मिलेंगे कहां मिलेंगे। ठाकुर जी रास्ते में दिखाई दे, एक तरफ लक्ष्मी मैया, एक तरफ विश्व मोहिनी, बीच में खुद बैठे हुए। नारद जी का रोष और बढ़ा, आज मैं समझ गया। अरे समझा तो मैं पहले भी था, भगवान ने कहा कब समझे थे। अरे समुद्र मंथन के समय समझ गया था कि कपटी हो, छलिया हो बहुत बड़े। मड़ी निकली, लक्ष्मी निकली, अपने पास रख लिया, और विष निकला तो भेज दिया बेचारे भोले बाबा शिव शंभो के पास। बहुत बड़े कपटी हो, आज तुम्हारे कपट को मैं छुड़ा कर रहूंगा। परम स्वतंत्र हो, इसीलिए अपनी मनमानी करते रहते हो, और आज अच्छे घर में बहना भेजा है, आज तो ये नारद तुमको मजा चखा कर रहेगा। ठाकुर जी सुन रहे हैं, लक्ष्मी मैया कहती इनको मौन क्यों नहीं कराते हैं, इतने अपशब्द बोल रहे हैं नारद जी। ठाकुर जी ने कहा ये भगत जी के मुंह से प्रार्थना ही सुनी है आज तक, आज पहली बार ये अपशब्द सुन रहा हूं, बड़ा आनंद आ रहा है। चुप बैठे हैं ठाकुर जी। नारद जी कहते हैं जो रूप लेकर मुझे ठगा है ना, वही रूप लेकर धरती पर आना पड़ेगा। मैं जैसे विश्व मोहिनी के वियोग को सह रहा हूँ, अपनी भार्या के वियोग को सहना पड़ेगा। कपि आकृति तुम की ना हमारी, करिए किस सहाय तुम्हारी। मेरी जो आकृति बनाई है ऐसे ही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। प्रभु ने श्राप को शिरोधार्य किया, और तब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी, कोई नहीं। नारद जी शरण में गिर गए, क्षमा प्रभु क्षमा, गलती हो गई। ठाकुर जी ने कहा अरे गलती आपसे थोड़ी ना हुई, ये सब तो मेरी लीला थी। मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी तो जाने लगे, शिवगढ़ कहते हैं हमें श्राप दे दिया, क्यों दिया। नारद जी ने कहा अकेले आप ही को नहीं दिया, भगवान को भी दे के आ रहा, उद्धार कैसे होगा। नारद जी कहते हैं यही दोनों श्राप जुड़ जाएंगे, जब भगवान नर रूप में आएंगे तब तुम्हारा उद्धार उसी योनि में होगा। तीसरा कारण हो गया। चौथे कारण में श्री मनु जी महाराज की और मैया सतरूपा की कथा आती है। श्री मनु जी महाराज के मन में भाव उठे, क्या होई ना विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, की जन्म गयो हरि भजन बिन। जीवन बीत गया, अब तक भगवान के शरणों में जाने का स्वभाव नहीं बना। उसी दिन सब कुछ अपने पुत्रों को दे करके वहां से प्रस्थान करके चले गए, मैया सतरूपा के साथ प्रभु की साधना में लीन हो गए। विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। एक बार नहीं, हजारों हजार बार आए, मांग लीजिए, पर परम धीर नेत्र नहीं खोले। अंततः कानों में वह आवाज पड़ी जिसको सुनने के लिए सब कुछ त्याग कर यहाँ आए थे। ठाकुर जी प्रकट हुए, मनु जी से कहा मनु जी मांग लीजिए। मनु जी हाथ जोड़कर देख रहे हैं ये छवि, मन ही मन सोचते हैं इतने हजार वर्ष साधना की ये आ तो गए हैं, पर जैसे ही मैं इनसे कुछ मांगूंगा ये मुझे देंगे और चले जाएंगे। या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जब तक जीवित रहूं इनको देखकर जीवित रहूं, और ये यदि मेरे साथ ना रहे तो मैं भी ना रहूं, ऐसा कुछ उपाय नहीं बन सकता क्या। मन से आवाज आती है अगर अगर यही ठाकुर जी मेरे बेटा बन जाते, मैं इनका पिता बन जाता, कितना आनंद आता। पर सोचिए एक भक्त अपने भगवान से कैसे ये बात कहे। अगर पिताजी अपने बेटे से कहें बेटा हम ये सोचते हैं अगले जन्म भी तुम ही मेरे बेटा बनो तो समझ में आती है, पर यदि बेटा बाप से कहे पिताजी अगले जन्म में हम आपके बाप बने और आप हमारे बेटा बनो, हम ये चाहते हैं, तो क्या उचित लगेगा। मनु जी को यही लग रहा है कैसे कहूं कि जगत के विश्व के मालिक मेरे बेटा बन जाए, पुत्र बन जाए मेरे। मुख से क्या निकला, प्रभु दान शिरो मन कृपा निधि, नाथे
कहूँ सती भाऊ, चाहूँ तुम ही आपको। फिर मन ने कहा, अरे मनु जी कैसी बात करते हो, भगवान मिलेंगे क्या, वो भी बेटे के रूप में। बात बदल दी, समान सुते। भगवान ने यहीं पर रोका, रुकिए रुकिए, मुझे चाहते हैं कि मेरे जैसा चाहते हैं। मनु जी ने हाथ जोड़कर कहा, अब हम क्या बताएं, प्रभु सन कवन दुराव, आपसे क्या छिपाए जो मैं बताऊं। मनु जी ने वाणी से भगवान के जैसा मांगा और मन से भगवान को मांगा। ठाकुर जी ने कहा, आपकी दोनों बातें पूरी करूंगा, मेरे जैसा भी आएगा और स्वयं में भी आऊंगा। हे मनु जी, अब अपने जैसा ढूंढने में मैं कहां जाऊंगा, आप सरिस खो जाऊं कहां जाई, कहां जाऊंगा, इसलिए मैं नृपतो तनय हो, मैं आई, मैं खुद आऊंगा। मनु जी तो धन्य हो गए। मैया सतरूपा से जाकर कहते हैं, मैया कुछ मांग लीजिए। सतरूपा मैया कहती हैं, प्रभु ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हम ही कृपा कर दे। जो सुख जो गति जो मति आप अपने निज भक्तों को प्रदान करते हैं ना नाथ, बस वही मुझे दे दीजिए। सतरूपा मैया को वर दिया। मैया कहती, आपकी माया मुझे ना व्यापे, ठीक है। और इधर आगे मनु जी ने कहा, प्रभु प्रभु एक चीज और चाहिए। राम जी ने कहा, अभी अभी तो दिया। मनु जी ने कहा, वो तो आपने खुद से कहा था कि मांग लो, तब हमने मांगा, अब एक अपने मन से मांगना चाहते हैं, वो भी दे दो। क्या चाहिए? सुत विषयक तो पद रति हुई। आप पूरे संसार के मालिक होंगे, भगवान होंगे होंगे, पर जब आप मेरे पुत्र बन के आओ ना सरकार, तो मेरा ये मन आपको अपने पुत्र से ज्यादा और कुछ भी ना समझे, बस मैं ये चाहता हूँ। जो प्रेम एक पिता अपने पुत्र से सदैव करता है, सदैव मेरा वही प्रेम आपसे रहे। यदि मछली चाहे तो जल के बिना रह जाए, सर्प चाहे तो मणि के बिना रह जाए, पर मेरा जीवन आपके अधीन ऐसा हो कि यदि आप ना रहो तो मैं ना रहूं, मुझे ये वरदान दे दो। प्रभु ने वर दिया। ये तो चौथा कारण हुआ। पांचवें कारण में प्रताप भानु की चर्चा आती है। वेद में जितने भी यज्ञ आदि हवन आदि बताए गए हैं, राजा प्रताप भानु ने एक एक यज्ञ को सहस्त्र सहस्त्र बार किया था और एक भी यज्ञ का फल नहीं रखा था, सब भगवान को समर्पित कर दिया। लेकिन फिर भी देखिए, सोचनीय बात है ना कि उनके जैसा इतना बड़ा धर्मात्मा राजा असुर योनि में जन्म लेकर आ गया। इसका एक कारण यदि सीधे शब्दों में समझे, प्रताप भानु ने सब कुछ तो अच्छा किया, लेकिन एक भूल उनसे क्या हुई, एक कुसंगति में पड़ गए और को ना कुसंगत पाई नसाई। तीन संस्कार होते हैं, अल्प में चर्चा करूं, तीन संस्कार, जन्माद्य संस्कार, संग संस्कार, और एक जो हम कुटुंबियों के साथ रहते हैं, परिवार के साथ जो मिलता है, एक ये संस्कार। ये तीन संस्कार होते हैं। जन्माद्य संस्कार कैसा होता है? जो जन्म से हमारे साथ रहता है। जैसे आप देखेंगे कई घर में बच्चों का जन्म होता है, वो बच्चा शुरू से ही बड़े पूजा पाठ में रहता है, ये उसके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। अथवा कई बच्चे होते हैं बचपन से ही मार धाड़ ये वो एकदम रहता है, ये सब पूर्व जन्म का रहता है। ये तो हो गया जन्म का संस्कार जो पहले से मिलता है। और दूसरा वो संस्कार होता है जिस परिवेश में बच्चा पलता है, एक ये संस्कार होता है जो माता पिता से उनको मिलता है, जिस माहौल में रहता है। और तीसरा संस्कार जो होता है वो होता है संग संस्कार। माता पिता सदैव प्रयास करते हैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा संस्कार देने का। अगर आपका जन्म संस्कार भी बहुत उच्च है,
आपके परिवार से भी आपको उच्च संस्कार मिले हैं, पर यदि आगे चलकर आपका संग संस्कार बिगड़ गया तो ये दोनों संस्कार आपको सही राह नहीं दिखा पाए। संग संस्कार बहुत महत्व रखता है। प्रताप भानु से यही भूल हुई, जैसे उस मायावी के चक्कर में फंसे, एक ऐसे साधु के चक्कर में जो साधु तो था ही नहीं, संत था ही नहीं, छल से बना था, और उसी की वजह से प्रताप भानु को श्राप मिला कि पूरे कुल के सहित वो निशाचर योनि में जन्म लेकर आया। किसी ने कहा, बताओ इतना बड़ा धर्मात्मा राजा, इतना बड़ा, इतना दान पुण्य करने वाला निशाचर बन गया, निशाचर योनि में आना पड़ा। एक संत ने कहा कि इसको हे दृष्टि से क्यों देखते हो, बस इतना समझ लो भगवान की लीला में रावण का किरदार भी करने का सौभाग्य उसको मिलता है जिसने प्रताप भानु के जितना पुण्य किया। रावण भी प्रभु की लीला में वो बनेगा जो प्रताप भानु के जैसा धर्मात्मा हो, ऐसे ही किसी को ये पुण्य का सौभाग्य भी नहीं मिलता।